बॉलीवुड की लेटेस्ट हैपनिंग के साथ मैं हूं अर्चना रलहन इन फिल्मी बीट। मिस टनकपुर हाजिर हो फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था, लेकिन अब फिल्म पर विवाद खड़ा हो गया है। सुनने में आया है कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में भैंसी गांव की अहलावत खाप ने फरमान सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि इस फिल्म के डायरेक्टर विनोद कापड़ी का सिर कलम करने पर 51 भैंसे इनाम में दी जाएंगी। खाप का कहना है कि इस फिल्म में जिस मुद्दे को उठाया गया है और जिस तरह दिखाया गया है वो खाप के बारे में गलत छवि पेश करता है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ये लिखा है कि जिस जगह लोग जानवरों की पूजा करते हैं वहाँ कुछ भी संभव है। वैसे फिल्म का ट्रेलर काफी मजेदार है। सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर कटाक्ष करती इस फिल्म को खाप पचा नहीं पा रही है, तो देखते हैं रिलीज के बाद इस फिल्म का क्या हश्र होता है, क्योंकि रिलीज से पहले इस फिल्म ने काफी अटेंशन पा लिया है। बॉलीवुड की ऐसी चटपटी खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं YouTube चैनल filmybeat.com पर।